अम्माबाद फ़ौजबिल्लामिनशैतानरज़ीम बिसमिल्लर रबिश रखली सदरी वसिली अमरी लिसानी यफ़कहु कौली आमीन या रब्बल आलमीन अल्ह मसल महमदा आलि महमद कमा सल तला इब्राहीम आलि इब्राहिम इन्क हम मजीद अल्लाह मबारिका महमदा अली महम्मद कम बबारक तला इब्राहिम आल इब्राहिम मजीद हम जिन अहदिस का मताला कर रहे थे आखिरी ज़माने की हदीसें और उसमें इराक़ के हवाले से अगरचे की हदीसें और भी बहुत हैं लेकिन हमने चीदा चीदा हदीस का मताला कर लिया जो ज़रूरी थी वो हमने पढ़ ली और उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं बस उसको ज़रा जहन में रख लें कि सबसे पहला मसला ये होगा कि कोई ऐसी चीज़ कोई ख़जाना वो जाहिर होगा जिसे हमने समझा कि तेल है उसके नतीजे में सबसे पहले अरबों की आपस में तकसीम होगी खाना जंगी होगी दूसरा मरल ये होगा कि उसके नतीजे में वो अपने ख़ज़ाने से महरूम हो जाएंगे तीसरे नंबर पे जो चीज़ सामने आई वो ये कि इसके नतीजे में जो उनकी अपनी अपनी सरपटोवल से बाहर वालों को मुदाखलत का मौका मिलेगा और उस मौका मिलने के नतीजे में फिर पहली कामयाबी के बाद सलीमियों के साथ इन वो अहद शिकनी हो जाएगी और फिर ईसाइयों के साथ एक जंग छिड़ जाएगी अरबों की उससे अगला मरला उसके बाद फिर इस दौरान हजरत मैदी जो है उनका ऊहूर होगा और फिर उनकी और ईसाइयों की जंग होगी और नतीजे के तौर पर ईसाई पसपा हो जाएंगे इससे अगला मरला है कि जब फिर यानी जब ईसाई पस्पा हो चुके होंगे तो अब असला यहूदी अमला आवर होंगे और उनकी क्यादत दाल कर रहा होगा अलमसीहद जाल उनकी क्यादत कर रहा होगा और फिर हज़रत मसीह इस्लाम का नज़ूल होगा और उनके हाथुद जाल मारा जाएगा और यहूदी जो है वो कत्ल आम होगा उनका एक यहूदी कत्ल कर दिया जाएगा फिर याजूज माजूज निकलेंगे और उनको अल्लाह ताला किसी वायरस के ज़रिए से ख़त्म करेगा और फिर पूरी ज़मीन पर अल्लाह का दिन जो है वो गालिब हो जाएगा ये तो वाक़ की तरतीब है और हमने जो हदीसों का मतला शुरू किया था वो इस एतबार से भी था कि हम पहले इराक़ वाली हदीसें पढ़ लेते हैं और फिर हमने शाम वाली भी देखनी थी और यमन वाली भी देखनी है और इसमें नजद की बड़ी अहमियत है यह बात मैं आपके सामने रख चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा जुग्राफ़िया जहन में ताज़ा करना पड़ेगा उसके बग़ैर इन नदीसों की जो समझ नहीं आएगी अभी शाम को रहने दें मैं बता चुका हूँ कि आज के पाँच ममालिक उस ज़माने का शाम है जब नबी सल्ला यह बातें बताई थी एक इलाका है हिजाज का इलाका यानी यह मक्का मदीना ये हिजाज का इलाका है इसके अलावा इराक़ का इलाका है और यमन का इलाका है जो सऊदी अरब के साथ वाक़ है और जिसके साथ आजकल सऊदी अरब की लड़ाई भी है टेंशन भी है और उसके अलावा जो जिसे हम अरब कहते हैं उसमें फिर सऊदी अरब बाकी हिजाज के अलावा सऊदी अरब इराक़ का बड़ा हिस्सा और अरब अमारात बहरीन और कतर अमारात ये ये सारा बाकी अरब जिसे हम अरब, अरब कहते हैं तो इसके लिए जो लफ्स हमारे यानी इस्तेमाल होते हैं वो नजदी का है नजद में सऊदी अरब के जो बड़े बड़े शहर हैं अब तो हमें भी इसलिए याद होते हैं कि उधर हमारा भी कोई ना कोई बंदा होता ही है तो उसमें दमाम खुबर, रियाज रियाज उनका दारकूमत है ये ये जो है ये सारे इलाके वो हैं जो नजद के इलाके में आते हैं नजद का एक लफ्ज़ी माना है कुरान मजीद में ये लफ्स तस्निया इस्तेमाल हुआ है ज अल्लाु आन व लिससान व शफतैन व हदईना नजदैन ये वही नजद है वो उसी से इन्हें और वहाँ पे नजदैन के जो माने किए गए हैं दो तरह के माने किए गए हैं एक माना वहाँ पे दो घाटियाँ किया गया है नजद के माने दो घाटियाँ किया गया कुरान मजीद के माने के बता रहा हूँ और एक माना दो उभार किया गया है उससे मराद है जो इन, जो इब्तई इंसान खुराक लेता है माँ के जो छातियों से जो चूसता है तो मराद वो ली गई है तो असल में नजद के मानी यही उभरी हुई चीज़ बुलंद टीला इसी कहते हैं उसको कि ज़मीन से जो उस तरह की चीज़ बाहर निकली हुई है पहाड़ी छोटी सी तो वो भी गोया नजद है बड़ा पहाड़ जो है वो तो है जबल और ये जो छोटा सा जैसे टीला कहते हैं ये नजद है, है। बुलंद जगह को भी नजद कह देते हैं तो ये नजद का इलाका ये सऊदी अरब यानी एजाज से ये ऊपर की तरफ और वैसे भी ये जो ताइफ और इसके साथ ये जो इलाके आते हैं तो ये ये बुलंदी पर भी हैं और ये कि थोड़ा मतलब पहाड़ी किस्म के इलाके हैं और इसी में फिर ये इराक़ का ऊपर वाला इलाका भी अमारात बन वैसे भी ये बहरेन शहरेन लगता भी सऊदी अरब के साथ इसी साइड से है तो ये सारे आपके आ जाएंगे फिर उस ज़माने का गोया नजद है और अभी ये मैंने आपको नई नई चीज़ें नए नए नाम बताएं तो थोड़े पुराने नाम भी बता दूं ये जो करबला ये जो कोफा तो ये भी सारे नजद के इलाके हैं ये जिस जो पहले जिस नबी ने दावत वो क्या था मुसलमा का ज़ाब जो था वो भी इसी इलाके अच्छा ये मान ज़क़ात जो थे जिन्होंने ज़क़ात देने से इनकार कर दिया था ये भी सारे इसी इलाके ये बड़े बड़े फितने जो उठे हैं हज़रत अबू बकर के दौर में और बाद के अदवार में ये सारे इस नजद के इलाक़े से उठते रहे तो ये वो इलाका है जो जिसे नजद का इलाका कहा गया अब इसके बारे में कुछ जो अदीसें आई हैं वो जरा देख लेते हैं अन उमर रजी अल्ला नबी सजरत उमर रजील् तावी हैं कि नबी सल्लाम ने फरमाया बारिकला ना फ़ी शाम हमारे लिए हमारे शाम में बरकतें नाजल फरमा हमारे शाम को बरकतें अता फरमा अब वो शाम पूरा जहन में रखिए फरमाया अला बारिक लाना फिर यमन और यह भी फरमाया कि दुआ की अल्लाह हमारे यमन में बरकतें अता फरमा कालू लोगों ने कहा अब देखिए इजाज़ में तो बैठे हुए हैं शाम और यमन के लिए दवा हो गई तो पीछे क्या बचा नजद बच गया तो उस वहाँ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं तो लो, कहाँ लोगों ने अब यह ज़रूरी नहीं है कि नजद वालों ने कहा हो दूसरा बंदा भी सोचता है कि इनकी भी हौसला शिकनी ना हो जाए इसलिए कोई दूसरा भी तोज्जो दिला सकते हैं कहाँ लोगों ने कहा, लो, कहा यानी साहबा जो बैठे उन्होंने कहा वफी नज देना सवालिया निशान इसके आगे लगा लें कि उसके बारे में आपने दवा नहीं फरमाई ने जवाब नहीं दिया बल्कि दोहराया ला, बारिकलाखातिब होकर कहा रसूल सल्म व फी नज देना और हमारा नज दे और हजरत उम्र फरमाते हैं फाजुल यानी मेरा गमान ये गमान गिब यह है ये सालास, सा कि तीन दफ़ा ये काम हुआ हजूर ने तीन दफ़ा अल्ला बारिक लाना फी शाम अल्ला बारिक लाना फिर यमन ना तीन दफ़ा लोगों ने भी मुड़ के कहा हुआ फ़ी नजदे ना तो तीसरी दफ़ा जब यह बात हो चुकी तो हज़ूर ने फरमाया फरमायानाल का जलालो वल व बेहा यत लो करन शैतान बल्कि करन वहाँ पे होंगे जलजले अब ये जो वो जल्जाल हैं या जलजले हैं जो अब इसका एक माना तो वो फिलवा के ज़लें भी हो सकते हैं फितने भी जल्जला हो सकते हैं यानी फितने की भी जो लोगों को झंझोड़ दे ये आते हैं ना कि जब जब गजबा अगज़ाब हुआ उसमें ज़लजला तो नहीं आया लेकिन ये कि वो जो जिस तरह आ गए थे फ़ौजें पूरे अरब की तीस हज़ार फौज आ गई वह जुलजलू जल्जालाशदीदा वह हिला मारे गए बड़े ज़ोर का हिला मारना। और वो जो शुरह बकरा में आता है कि हत्या यकूल और रसूल व जो मस्तबाशाओ व जर्राओ व जुलजुलू उनको हिला दिया गया तो ऐसा फितना जो आपकी अक़ल को हिला दे जो आपकी सोच को हिला दे जो आपके डगमगा दे कन्फ्यूजन पैदा कर दे तो गोया उसने आपके एक सोचों में आके जलजला पैदा कर दिया ये भी मराद हो सकती है और फिलवाई भी जल्जले मराद हो सकते हैं और उन जल्जों का सबब भी हो सकते हैं ना ये जो इतना आप तेल निकाली जा रहे हैं निकाली जा रहे हैं तो वो उससे भी तो कोई इम्बेलेंस होगा हो सकता है कल वो ज़मीन धंसे भी और ये भी हो सकता है कि उसके नतीजे में भी वो आए लेकिन ज़्यादा इम्कान वही है कि वहाँ फितने उठते रहेंगे और आगे उसको वो फितनों का लफ्ज़ भी आगे वालफन और वहाँ फितने होंगे और ये वो जगह है वो ये जो यमन है यत्लो कर्न शैतान शैतान अब ये कर्न का लफ्ज़ है इसी से कुरून जमा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है अक्सर और इसी से हम हमारा देते हैं तस्मिया भी इस्तेमाल हुआ है जुल नैन उसका तरज वही किया जाए दो सिंगू वाला तो ये कर्न जो है इसका मतलब सींग भी है लिहाजा बाज़ लोगों ने इसका तर्जमा किया है कि इस नजद से शैतान का सींग निकलेगा तलू होगा चढ़ेगा यानी यहाँ से वह पहली दफ़ा ऐर होगा और आप कह सकते हैं कि दाल शैतान का सिंह दजाल भी हो सकते हैं और एक इसका मानन किया गया है जमात और ये मुमकिन वैसे कर्ण का मानना जमाना भी होता है हम कहते हैं करने अवल पहला जमाना करने आखिर आखिरी जमाना मुमबादिल कुरून बहुत सारे जमानों के बाद तो यानी कर्ण का एक मतलब जमाना भी है कर्ण का मतलब सिंह भी है और कर्ण का मतलब जमात भी है यानी एक गुरो एक जमात बाज़ दूसरी हदीसें ऐसी हैं कि जिससे पता चलता है कि यहाँ कर्न का माना जरा अगर हम जमात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है एक ग्रोह एक जत्था वो अदीसें अभी हमारे सामने आ जाएंगी उससे बात समझ में समझने में आसानी होगी लेकिन अभी ये तीनों चारों माने अपने जहन में रखें कि इसका मतलब सीन भी हो सकता है और इसका माना जमात भी हो सकता है इसका माना जमाना भी हो सके जमाना यहाँ हमारा नहीं ले सकते शैतान का ज़माना वहाँ से चलेगा ये ये भी बर गुंजाइश तो बनेगी लेकिन ये कि वो तो चला मगरब से है ना मगरब से मरा दिए कि वो आज का जो शैतानी ज़माना है इसकी इब्तदा तो वस्त से हुई है ना रीनासन से हुई है जिसे रोशन ख्याली का जमाना कहते हैं तो ये तो उसका ममबा तो नजद नहीं है ये तो फिर वो अलग का हुआ है इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़माने की यानी वो गुंजाइश कम है या तो जमात की गुंजाइश होगी कोई जत्था ग्रोह पार्टी फिरका और ये के एक सींग वाली यानी शैतान का रसूख यहां से ज़ाहिर होगा ये बखारी शरीफ की हदीस है फितन में यानी इसकी सनत कवि है अब यह समझ लीजिए कि मैंने जमात का जो लफ्ज इस्तेमाल मैं चाहता हूं कि यह माना हम रखें तो वो क्यों उसकी वजह बता दें आपने एक वाक्य सुना होगा बड़ा मशहूर वाकया है वाक़ यह है कि हज़रत जब नबी सल्ला वम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे गजवा हुनैन के बाद और बड़ा बकसद माल था तो आप सल्ला वम ने माल गनीमत में ज़्यादा हिस्सा उन लोगों को दिया जो नए नए मुसलमान हुए थे ताकि इनकी हौसला अफजाई हो तो जो रासिक्लदा मोमिन थे उनको तो कोई मसला नहीं हुआ अल्लाह के नबी हैं जिसको जो दें वमा आता कमरसूलो फाखजू हो वमा नहाँ फनता हो तो वो उनके लिए तो मसला नहीं था लेकिन ये कि जो मदीने के बाज लोग और इस तरह के जो मुनाफिकीन जो दूसरे इलाकों के थे तो उनमें से एक ऐसे ही बंदे ने उठ केज़ूर से कहा कि हज़ूर अदल से काम लें ए दिल या महम्मत और बड़े गुस्ताखाना लब एक तो जुमला है वैसे ही है ऊपर से यह के अंदाज़ भी बहुत नारवा और ऐसी कैफियत केज़ूर को भी घुसा आ गयाूर ने फरमाया फ़ाइलम आदिल फमाई आदिल मैंने अदल ना किया तो फिर कौन है जो अदल करेगा यानी रकमतुल्ल आलमीन जिसे बना के भेजा गया वो नहीं अदल करेगा तो फिर कौन अदल करेगा तो उमर समझ गए उन्होंने कहा हजूर फिर उड़ा दूँ गर्दन तो हज़ूर ने फरमाया नहीं अब आगे जो अलफाज हैं उससे बाज़ लोगों ने माना ये लिए इस किस्म के भी हो सकता है मतलब इसके ख़ानदान के भी हो सकता है इसकी नस्ल भी मराद हो सकती है लोगों ने अपने अपने मतलब के लिए बाज बाज़ात होता है ना कि हमें कोई फ़िरका नहीं अच्छा लगता है कोई मसलक नहीं अच्छा लगता है उसका अगर कोई बानी मानी उसी नज़द के इलाके से ताल्लुक़ रखता हो तो फिर हम नस्ल मराद लेंगे न कि वो, वो दिन नसल और ये हुआ है ये हिंदुस्तान में बज लोगों ने इस तरह की किताबें लिखी हैं इस तरह की हदीसें जमा करके और उनको जाके चप्पां किया अब्दुल वहाब जो जिन पे वहाबी तहरीक जिसको कहते हैं ना तो हालांकि वो अपने वक्त में उन्होंने बहुत असलाह का काम वो होता है फिर असलाह जब आप करने चलते हैं तो कुछ आ, उसमें शिद्दत भी आ जाती है लेकिन ये कि बहरहाल उन पर जाके चस्पाँ किया है इसको तो लेकिन ये के अल्फाज हैं उनको आप जिस तरह मर्ज़ी आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिट कर सकते हैं लेकिन मैं मेरा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो मफहूम आपके तक पहुँच जाए फिर आपकी मर्ज़ी है वो टोपी जिसको पहनाएं तो उसमें ये है कि इसके यानी इस तरह के लोग कह लें या इसकी नस्ल से कह लें या इसकी किस्म के कह लें लोग क्यामत तक पैदा होते रहेंगे जिनके तर्ज अमल और जिनकी रविश यही होगी बाद में इस इलाके से खारिज का फितना निकला है ये जो खारिज हैं ये बड़े नेक लोग थे वो आदेश भी मैं आपको सुना दूंगा बड़े अल्लाह वाले बड़े कुरान पढ़ने वाले लेकिन ये इन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तुक को मुशर करा दिया इन्होंने बल्कि उनकी शहादत का सबब ये लोग बने एक ही दिन तीन आदमियों को कत्ल करने का उन्होंने प्लान किया होता है वो जैसे होता है ना आज बम धमाका एक काबुल में इस्लामाद में लाहौर में तीनों जगहों पे करना है तो एक दो जगहों पे न हो एक जगह हो जाए तो वो तीन उन्होंने बंदे भेजे हुए थे फिदाई जिन्होंने तीन आदमियों को मारना था कि फितना इन तीन आदमियों से ये ख़त्म तो कहानी ख़त्म एक हज़रत अली रजी अल्लाह एक हज़रत अमीर माविया रजी अल्लाह तन और एक अमर इब्न अस वो दो उनके नाकाम हो गए हजरत अली वाला कामयाब हो गया तो ये वो लोग थे खारजी ये फितने खारजियत जो है ना ये यहीं से निकला मैं आपको बता चुका मान ही ने ज़क़ात हज़रत अबू बकर के दौर में अच्छा हज़रत अबू बकर का भी एक कॉल है वो उन्होंने जो है इसका जिक्र किया है ये एक कबीला है इस इलाके में बनी हनीफ़ा उनके बारे में उन्होंने फरमाया कि बेशक उनकी वादी फितनों की वादी रहेगी उनकी वादी फितनों की वादी रहेगी जमाना आखिर हो जाने तक यानी ये अभी इन्होंने तो हमारे लिए ये माने जक़ात वाला मसला खड़ा कर दिया ये फितना ख़त्म नहीं हुआ इनके यहाँ ये फितना आखिरी ज़माने तक रहेगा और अब जो भी उनका झूठा वो नबी था ये वो मुसालम का और या दूसरा जो भी था अपने झूठे जो नबी के सबाब क्यामत के दिन इस में फितना बाकी रहेगा ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजील्ला तुम बजा उन्होंने भी हो सकता है हज़ू से सुना हो और उस बात को उन्होंने उस तरफ़ बयान कर लिया हो खैर तो एक तो ये इस तरह की चीज़ है कि इनके अंदर ये ऐसे लोग अच्छा वो जो श, नबी सल्लाम ने यह भी बताया कि ये जो है न बनी तमीम ये इनके बारे में भी कुछ इस तरह क्या द के ये यानी अच्छा ये ए, 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 एक तो ये कि हाँ बनोत तमीम जो हैं वो शख्स उनमें से था वो ए, वो जो फितना का वो जिसने हज़ूर से कहा था ए या मोहम्मद ये उनका फ़र्क था और जब हज़ूर ने फरमाया तो लोगों ने फिर उसको बनो तमीम के साथ जोड़ दिया एक यानी जो मुखालिफ थे उनके उन्होंने बन पूरे ख़ानदान के साथ जोड़ दिया वो कुछ लोगों को बचाने के लिए होता है ना कि आपने बनत तमीम के साथ जोड़ दें तो बाकी नजदीक सबकी छुट्टी होगी वो पाक साफ हो गए तो अगर आप उसे नज तक रखें अच्छा एक काम यह भी किया हमारे जो खासतौर पर सऊदी जैन रखने वाले लोग हैं ना तो उन्होंने कहा यह नज तो है ही इराक उन्होंने उसे इराक के साथ हैं इराक़ भी है ये नहीं कि इराक नहीं है अच्छा जो हमारे चले मैं आपको खोल के बता दूं जो बरेलवी किस्म हमारे बड़े गाली किस्म के होते हैं जो उन्होंने ये सारी जाके तो एल ए दी फिट कर दी ये वाली सारी उनको खारजी आज का ख़ारजी उन्हें बना दिया अच्छा कुछ करतूतें भी हैं दाइश अब है जो जमात है तो उस पर तो ये पूरी तरह लाग फिट होती नज़र भी आती हैं मतलब वो जो बाकी निशानियाँ हैं वो भी उसके अंदर पूरी हो रही हैं सिर्फ एक ये नहीं और भी निशानियाँ हैं वो आगे आई हैं वो भी उसमें पूरी हो रही हैं तो बहरहाल ये जो बनुत तमीम है इनके बारे में जहाँ हज़ू हज़ू वसम के दौर में वो वाक़ हुआ वहाँ हज़ूर ने इनके बारे में एक बात और भी कही हुई है और वो बात यह है कि जब दज्जाल निकलेगा तो दज्जाल पर सबसे ज़्यादा जो भारी कबीला होगा जो उसको रिजिस्ट करेगा और उसका मुकाबला करेगा वो बन तमीम के लोग होंगे तो एक कहावत मशहूर है ना कि लोहे को लोहा ही काटता है तो अगर उनके अंदर ये वाले फितने वाले पहलू वाले लोग हैं तो उन्हीं के अंदर फिर वो लोग भी हैं कि जो उनकी काट करने वाले हैं उनका मुकाबला करने वाले हैं उनके मुकाबले में मजामत करने वाले हैं उनके मुकाबले में खड़े होने वाले हैं और ये अगर आप देखें तो हम कहते हैं जी अरब कौन थे जी अरब मुशरक थे अरब अरबुत की पूजा करते थे तो उन अरबियों को ठीक करने वाले जो है वो हिंदुस्तान से गए थे उन्हीं में से रसूल लिखते थे लकत मल्लाम रसूल यतलूअल आजात मोहम्मलताबिकमा तो उन्हीं में से थे ना मोहम्मद तो जिस जह, जहाँ से फितना उठता है तो उसका मुकाबला भी अल्लाह ताला उसका बंदोबस्त बल्कि वो भी है ना एक हमारे यकीम साहब भी बैठे हुए हैं कि जो बीमारी होती है उसकी दवाई भी उसके कुर्ब जवार में ही मौजूद होती है ठीक है जी तो अल्लाह ने कोई बीमारी पैदा नहीं की मगर उसका इलाज पहले पैदा किया और यह भी कि जो बीमारी होती है उसका इलाज भी उसके आपके उसी एरिए में कहीं कुर्ब व जवार में मौजूद होता है तो इसी से बस ये भी समय अच्छा खैर इससे ये कोई मतलब ना ले ले कि कोरोना चीन से निकला था तो चीन वाली वैक्सीन ठीक होगी ये मतलब नहीं है इसका तो हो सकता है वही ठीक हो लेकिन बहरा इसको इतना लंबा न खींचेगा तो ये मैं बता रहा था कि उसी कबीले के वो लोग भी होंगे जो दज्जाल पर सबसे ज्यादा भारी होंगे सबसे ज्यादा शिद्दत से उसका मुकाबला करने वाले अच्छा इसकी मुझे मैंने थोड़ी तशरी इसलिए कर दी कि जहन में एक ततबीक आती है अगर आपको पसंद आए मेरे ख्याल में आज के जो इस इलाके नजद के इलाके के सबसे गंदे लोग हैं ना वो आले सऊदे जो इस वक्त सऊदी अरब में वो हैं और इसी इलाके में वो लोग भी हैं जिन्हें लोग आले शेख कहते हैं वहाँ के मौलवी अब अगर तारीखी तौर पर आप इस चीज़ को देखें तो ये दो तरीके अलग-अलग तरीके हैं ये जो अब्दुल अजीज था ना इनका जो किंग अब्दुल अजीज जो बड़ा ये तो असल में तो बागी लोग थे इन्होंने बगावतें की हैं वो सबसे पहले तो शरीफ हुसैन था एक वाली मक्का उसने बगावत की फिर उसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने ये बागी खड़े किए थे पहले शरीफ हुसैन को खड़ा किया सल्तनत ओस्मानिया के खिलाफ ये अर तब्ल को यही इसीलिए सऊदी अरब वाले पसंद नहीं करते ना ड्रामे को उसमें उनका वो किरदार सामने आता है ये खिलाफत उनकी वजह से ख़त्म हुई थी ये शरीफ हुसैन जो था ये वाली मक्का था कौन सा जो बाद में उर्दन वाला जो हुसैन है ना वो, वो सिलसिलाए हुसैन ये उससे जाके जुड़ते हैं उस शरीफ हुसैन से वैसे था ये सैयद इसलिए कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया था कि मेरी जो है ना वो आल में से एक फ़र्द होगा लेकिन वो होगा नहीं मेरा मतलब वो शायद मंसूब हो रहा होगा मेरी तरफ तो उसके बारे में ख्याल ये है कि वो यही था ये शरीफ हुसैन वालिय मक्का इसने बगावत की थी और अंग्रेज़ों ने इसे लारा लप्पा ये लगाया था कि पूरा अरब तुम्हारा बाद में अंग्रेजों ने तो उस तेल के लिए इनको तकसीम करना था लिहाजा उन्होंने फिर यह काम किया कि ये उसको बस उर्दन तक उसे मिला उसके खिलाफ खड़ा कर दिया शाह अब्दुल ये किंग अब्दुल अजीज जो ये इस तरह के लोगों को लेकिन उधर खड़े हो चुके थे वो अब्दुल वहाब और उनकी तहरीक बहुत जोरदार थी तो फिर बिल आखिर इन्हें उनके साथ पैचअप करना पड़ा कि हम ये एक मजहबी रियासत बनाएंगे यहां पे हम वो, वो ही वो सारी शरीयत और ये नफाज तो ये आले सऊद यहाँ पे शरीयत नाफिज करके नहीं बैठे हुए थे ये आले शेख के यानी दबाव की वजह से आप यूं कह लें वहाँ के जो मौलवी हैं मुतव उनके दबाव की वजह से ये जो कुछ भी सऊदी अरब में इस्लाम था सो था लेकिन नाइन अलेवन के बाद ये बल्कि उससे पहले ही हो चुका था शाह फैसल के बाद असल में आल शेख़ के साथ बेईमानियाँ शुरू हो चुकी थी और नाइन अलेवन के बाद तो खुल के और अब ये जो आया है मोहम्मद बिन सलमान इसने तो आके तो बिल्कुल ही जो है ना वो चौपटी कर दिया मामला तो अब उनके अंदर बड़ी बेचैनी है बहुत से वो जो हक प्रस्त थे उनको कत्ल किया गया है उन्हें जेलों में ठोंसा गया है उनको जा जाके सहरा में फेंका गया है उन गुम कर दिए गए मिले ही नहीं हैं और अभी आपने पिछले दिनों भी सुना होगा कोई वो जो खाना काबा के जो इमाम थे उनको भी वो ले गए मस्जिद नबी में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे उलमा जो है ना वहाँ के जो आले शेख जो हैं वो सारे बिके हुए हैं और एजेंट हैं वो इनके मुकाबले में खड़े हैं और ये मैंने जो आपके सामने बात रखी ये भी एक मकसद के लिए रखी है वो भी समझ लें इसलिए कि कल जब ये मार्का बातिल जो है अपने रूज पर आएगा तो अले सऊद एक अलीहद हकीकत है और आल शेख एक हकीकत है खैर फिर भी वही होगा मैदी के साथ जो सबसे पहले लोग आएंगे वो वहीं से आएंगे और वहीं से वो लश्कर तरतीब देकर शाम पर हमलावर होंगे ये पाकिस्तान से लोग तो अभी नहीं गए होंगे मशरक से तो अभी कोई नहीं वहां पहुंचा होगा लिहाजा इस बात को समझ नहीं ये ईरान से तो नहीं गए होंगे ईरान वालों को ये बड़ा होता है ना वो मेहदी समझते हमारा है लेकिन मेहदी ने तो मक्के में जाहिर होना है वो उनका कोई होगा अगर वो कोई और लेके आए तो वो एक अलग बात है लेकिन यह कि वो मैदी जिसका जिक्र में है वो तो मक्के में ज़ाहिर होगा और उसका पहला लश्कर भी वहीं तरतीब पाएगा तो इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि या, यानी वो सारे के सारा अरब और सारे के सारे सऊदी बुरे नहीं हैं वो आले सऊद एक नस्ल है और वैसे तो बाद लोगों ने तहकीक है कि इनका कबीला पहले था भी वो हमारे तो मुमताज़ साहब कहा करते थे ना कि ये आले सऊद नहीं है आले यहूद हैं लेकिन ये बात अब तहक़ीक से साबित हो गई है कि वो पहले इनकी जो है ना वो कोई पुरानी नस्ल थी भी उधर ही से फिर ये कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए थे ये जहन में रखें जब पहले कबीले मुसलमान होते थे तो जब कबीले का सरदार फैसला करता था कि हमने मुसलमान होना है तो फिर सारे मुसलमान होते थे किसी को समझ आया और ना आया हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो पूरे के पूरे सारे के सारे हो जाते थे जैसे सन 300 सौ ईस्वी में पूरी सल्तनत रोमा ईसाई हो गई थी तो ये तो आप खुद सोच सकते हैं ना कोई एक आदमी उसका तो ईमान उसमें तो पैदा हो सकता है सारे घरवालों में तो एकदम नहीं पैदा हो जाते हो सकता है घर वालों को अभी समझ ही ना आई हो तो पूरी सल्तनत का ईसाई हो जाने का मतलब क्या है कि वो उस दूसरा मज़हब तो आप इख्तियार ही नहीं कर सकते ना बादशाह का मज़हब है वो सबको मानना पड़ेगा तो इसी तरह कबीले के दौर में ये यही चीज़ थी कि जब कबीले के सरबराह ने यह फ़ैसला कर लिया कि हमने मुसलमान होना है तो फिर सबको होना पड़ेगा तो वो हो गए खैर तो ये आले सऊद को अलहदा कर दीजिए आले शेख को अलह कर दीजिए तो बहुत सारी गुथियाँ सुलझ जाती हैं और बहुत सारा मसला जो है वो हल हो जाता है अच्छा अब आ जाए वापस नज़द की तरफ मैंने नज़द की एक बेहतरी भी आपको बता दी कि उसमें ऐसे लोग भी हैं कि जो दज्जाल पर बहुत भारी होंगे लेकिन शैतान का असर व रसूख इस इलाके के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा और हज़ूसलम ने इसके बारे में दवा नहीं फरमाई तो ये उसको पिच वो करबला से लेके तो कूफ़े से होते हुए उस सब के साथ जोड़ के रखें इसे अच्छा ये भी एक रवा रवायत है कि यखर जो नासुन लोग निकलेंगे मिनल मशरक़ मशरक़ से अच्छा यहाँ मशरक़ से मरात मशरक़ बद नहीं है यानी बहुत दूर वाला मशरक़ नहीं है यही नजद का इलाका ही है अब उन लोगों की कुछ खसूसियात बयान हुई हैं यक्रून अल कुर कुरान पढ़ते होंगे अच्छा ये कुरान पढ़ते होंगे क्यों कहाँ कुरान तो सब पढ़ते हैं यानी बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे उनकी खास यह होगी कि कुरान वाले होंगे वो जैसे होता है ना ये तो बंदा कुरान में डूबा हुआ है तो गोया वो हर वक्त कुरान पढ़ने वाले होंगे और पता चलता है ये रवायात ये भी हैं कि जब ये ख्वारिज निकले थे तो उस ज़माने में यानी इनके बारे में मशहूर हो गया था ये क़रा यानी कारी लोग हैं यानी अवाम में ये बात मशहूर हो गई थी ये कारी लोग हैं बहुत अल्लाह वाले बहुत कुरान पढ़ने वाले इसीलिए अली रज़ी अल्लाह तुनों ने इनके बारे में कहा था तो हक्किन उरीदा बेहल बातिल यानी ये कुरान की तरफ बुलाते हैं बात बिल्कुल ठीक है लेकिन इससे ये जो मतलब हल करना चाहते हैं ना वो बातिल है वो मतलब क्या है फिर पैदा करना वो मतलब क्या है मरकज़ से टूटना वो मरकज मतलब क्या है खिलाफत के इदारे को तबाह करना मरकजियत ख़त्म करना उम्मत मतलब। की ला जावे जो तराकी हिंद और वो कुरान कुरानवज नहीं होगा उनके हलकुमों से यानी उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा बस उनको वो पढ़ रहे होंगे बड़ी अच्छी आवाज़ें होंगी मखारिज उनके बहुत अच्छे होंगे फन करात में उन्हें यदतुल्ला हासिल होगा लेकिन ये कि वो उनके हलक से नीचे इतना भी नहीं जाएगा कि उनको कोई उनके अंदर कोई यानी कोई रिक्कत पैदा कर दे कोई नरमी पैदा कर दे कुरान उनके अंदर नहीं जाएगा उसके बाद फिर मैं कुल्लम कथा कर्नून नशा करनुन जब उनका एक कर्ण अब ये इसलिए मैंने वो कर्ण का तर्जमा वहां जमात किया था जब उनका एक कर्ण कता हो जाएगा गुजर जाएगा खत्म हो जाएगा नशा करनुन नशा करनुन उसकी जगह पे दूसरा उठ खड़ा होगा एक नया कर्ण एक नई जमात एक जमात उनकी खत्म होगी तो उसकी जगह पे दूसरी जमात आ जाएगी अब इसको सामने रखे ना तो वहां से शैतान का सींग निकलेगा यानी शैतान की जमात निकलेगी एक जमात निकल चुकी होगी तो फिर पीछे से दूसरी निकलेगी हता यकूनो आखिर यहां तक के जो उनका आखिरी वाला जमात होगी जो आखिरी सींग निकलेगा या आखिरी उनकी जो जमात निकलेगी वो होगी अल माल मसीह दज्जाल जो मसीह दज्जाल होगा उसके साथ होगी तो अब गोया उसके साथी भी वहीं से मिलेंगे उन उस, उसका तोड़ करने वाले भी वहीं से खड़े होंगे तो मुझे तो बहुत यानी ये वाली जो इंतबाक है बहुत अच्छा लगता है कि आले सऊद दज्जाल के साथ उन्होंने अभी जाके इसराइल से दोस्ती भी कर ली है ठीक है ना अब यह भी सुनने में आ रहा है कि वो जो दज्जाल का जो शहर है उस तरह की चीजें भी उन्होंने बनानी शुरू कर दी इमारतें भी वैसे बना रहे हैं वो और अब लोग पता नहीं वो इमारत किस गरज से बनाई गई है लेकिन यह भी कहा जाता है हदीस में आते हैं ना कि जब दज्जाल आएगा मदीने के पास तो उस एक सफेद महल होगा उसका मदीने के बाहर जहां से खड़ा होकर वो मदीने का जायजा लेगा तो कहते हैं वो इमारत भी बना चुके हैं तो आले सऊद के बारे में तो ये अब सत्तर पचत्तर परसेंट यही लगता है कि ये उस, उसी उसी साइड पर होंगे लेकिन ये जहन में रखिए कि वो कुरान मजीद देखें ऐसी किताब है कि उसने अपने जो बदतरीन दुश्मन है ना उनमें भी अगर कोई खैर का एलिमेंट है तो उसका जिक्र ज़रूर किया है यहूद है ना उनको कहा ये ऐसे हैं ये वैसे हैं कत्ल हम उलम्बिया इन्होंने अम्बिया को कतल किया है ज़ाल का बे हम कानूँ यकतलूनबिया बे गैर हक अम्बिया को इन्होंने ना हक कत्ल किया ज़ाले का बेमा माँ आसाऊ वकानू या तदून ये नाफ़रमान हद से निकले लोग लेकिन लयसू ले सवा सारे एक जैसे नहीं हैं मिन हम उम मतुन कायम यतदून यातल आना लुम यून इन में वो भी हैं जो रातों को खड़े होकर अल्लाह की आयात की तलावत करते हैं और सजदा रेज़ होते हैं यो मन अबिल्लामिल आखिर अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं आख़िरत पर भी ईमान रखते हैं तो यही बंदे को इंसाफ पसंद होना चाहिए अगर यानी ये ज़िद अगर रख कर कोई चीज को पढ़ेंगे या किसी की नफरत रख कर या किसी की मोहब्बत रख कर तो फिर आपको बात सही तरह से समझ में नहीं आएगी तो सही तरह से समझ नहीं है तो फिर ये है कि जरा बिल्कुल गैर जानबदार होकर मोहब्बतें नफरतें दिल से निकाल कर तो उनमें अगर ऐसे लोग हैं जो लगता है तो वहां वैसे लोग भी होंगे कि जो दज्जाल के मुकाबले में पूरी शिद्दत से खड़े होने वाले होंगे अच्छा कुछ और भी रवायात हैं अब हमारे पास टाइम बिल्कुल ही तंग हो गया है तो मैं सिर्फ उसका आपको तर्जमा सुना देता हूँ यानी शुरू इसी तरह की है मशरक से लोग निकलेंगे कुरान पढ़ते होंगे हलक से नीचे नहीं जाता होगा और उसके बाद यहाँ यहाँ पे है ना उनकी एक जमात हटेगी तो दूसरी उसकी जगह लेने आ जाएगी तो वहाँ पे ये है कि दीन से इस तरह निकल जाएंगे कुरान पढ़ते होंगे लेकिन दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तिर कमान से निकलता है शो ये फायर हो गया निकल गया ना फिर वो इस दिन में उस वक़्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक के तीर वापस कमान में ना आ जाए निकला हुआ तीर तो वापस नहीं आता गोया ये भी कभी वापस नहीं आएंगे पूछा गया उनकी निशानी क्या है फरमाया एक तो वो कुरान पढ़ना निशानी है अब ये निशानी सुनिए फरमाया सर मुंडाना या बाल मंडवाना मतलब वो तर्जमा करने में उन्होंने दोनों एतमाल रखे हैं सर मुंडवाना या बाल मंडवाना तो वो खैर मुझे वो बात याद है कि एक आलम दीन है कादरी उन्होंने एक ज़माने में किताब मैंने तीस साल पहले पढ़ी थी और पढ़ी उसकी कड़वाहट अभी तक नहीं गई है वो इतने मुतासिब साहब थे तो वो सबको ये जितने भी अहले हदीस हैं जो दियोबंदी हैं जो तबलीगी जमात वाले हैं इन सब पर उन हदीसों को पकड़ पकड़ के उन्होंने फिट किया हुआ था तो ये वाला जो है ना सिर मुंडाने वाले को उन्होंने तबलीगी जमात पे रखा हुआ था अच्छा मुझे तो खैर वो याद भी नहीं रही पिछले दिनों मैंने सर मुंडवा लिया तो मैं भाग गया हुआ था वहाँ पे एक अहले हदीस साल में दिन मिला उसने कहा आपने सर क्यों मुंडवा लिया तो मुझे याद आई ये सही कर <laughs> तो, तो, तो लेकिन उ, ये तो कभी कभी मुंडवाना तो और बात है लेकिन उनकी पक्की निशानी होगी सर मुंडवाने की ठीक है तो अब जिनके साथ उनकी दोस्ती हो गई तो वो तो दाढ़ी भी मुंडवा लेते हैं मुछे भी मुंडवा लेते हैं अच्छा मैंने अक्सर फोटो देखे हैं ये जो अमेरिकी फ़ौजी हैं इनके भी सर मुंडे भी होते हैं तो गोया दोस्ती भी सर मुंडों के साथ और ख़ुद अपनी निशान भी ये सर मुंडवाने वाले सिरा उस तरह तो ये उनका जो है ना एक और इजाफी निशानी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए अच्छा ये जो हमारे यहाँ बरेलवी गुस्ताख का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना उसको समझ लें वो किस मानी में कर रहे होते हैं वो उसे इसी खारजियत के साथ जोड़ रहे होते हैं वो एक गुस्ताख शख्स जिसने हजूर से कहा था ए या मोहम्मद समझ आई तो उसके अंदर एक गुस्ताखी थी अब जो आदमी भी सवाल करे तो उसके अंदर वो गुस्ताखी ये खारजी है ये है लंबी खेच नहीं ये है चीज़ को जबरदस्ती यानी आप यानी किसी जराब को किसी के सर पे चढ़ाने की कोशिश जब करते हैं तो तो जब इतनी खींचाता नहीं होती है तो ऐसी चीज़ को पढ़ते हुए फिर उकताहट हो जाती है आप उसका असल मफहम बयान कर दें बाकी अपने सामने पे छोड़ें वो उसे जिधर मर्जी फिट करें अपने सर पे फिट करे या दूसरे के सर पे फिट करे वो उसका हक है आपका काम उस मफहम को बयान कर देना है जो उस उन अल्फाज से मुतसादिर होता है या निकल रहा है तो बहरहाल बता मैं ये रहा था और इसलिए बता रहा था कि लोगों ने इनको इधर उधर चीज़ों को खींचा है और उसमें ये जो ये सर मुंडाने के लिए जो अल्फाज है ना वो हल्का लफ्ज़ आता है ना सर मंडवाना तो उन्होंने उसको फिर खींचा और खींच के ले गए हल्का बनाना ये जो बैठ बैठते नहीं नमाज पढ़ने के बाद जो हल्का बना के बैठते हल्का <laughs> बनाना उनकी निशानी होगी और ये कि सर मुंडाना भी निशानी में शामिल कर दिया तो इस तरह खैर उन्होंने वो खींच लिया उस बात को लेकिन ये कि मैंने उनका हवाला इसलिए दिया है कि ये सारी हदीसें अगर किसी ने इकट्ठी पढ़नी हो तो उनके पास मिल जाएंगी उस किताब में वो किताब का नाम मुझे सही से याद नहीं रहा पता नहीं वादी एजाज के बेकार पत्थर के पता नहीं हकीकत तबलीगी जमात कोई इस तरह का कोई नाम था मुझे अब सही से याद नहीं रहा अच्छा ये मैं बताऊं कि ये जो हमारे कादरी साहब ने बाद में एक बहुत बड़ी किताब लिखी है वो सारी उन्हीं हदीसों पर बेसकर असल में उसका मतला उन्होंने उठाया और उसका अख्तितम जाके कादरी साहब ने किया वो तो वो कादरी हैं ये ताहिरुल कादरी हैं तो दोनों ने मिलकर फिर इसके साथ ये अपनी कुदरतें दिखाई हैं ये जो अप, ये हदीस हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर अगर कोई शर है तो वहाँ पर वहीं पर खैर भी होगा और ये जब मरका गर्म होगा तो इसमें वो फैसला करने में आसानी होगी आप पहले ही ये तय करके बैठे हों वहाँ शर ही शर है तो फिर हो सकता है किसी और शर के हथे चढ़ जाए तो एक तो ये चीज़ जहन में रखिए और दूसरा ये भी जहन में रखें कि जरी आमाल पर कभी फैसला ना करें कि यह शख्स बहुत नेक है या ये शख्स बहुत बद है हो सकता है जयरन बहुत बुरे आमाल का मुरतक शख्स भी दिल में कोई और इश हो वो उसका और अल्लाह का मामला है और इसी तरह ज़ायरन कोई बड़े नेक अमाल का आदमी हमारी नजरों में पिर कामिल अंदर से शैतान हो सामरी भी एक ऐसी शख्सियत थी अबू आमिर राहिब भी एक ऐसी शख्सियत थी बलम बिन बौरा भी एक ऐसी शख्सियत थी और इस तरह की शख्सियतें हर दो अगर अम्बिया के दौर में थी तो आज के दौर में क्यों नहीं होंगी इन्हीं रवायात में यह भी है कि वो लोग जो होंगे उन यानी पे कुरान मजीद का जिक्र है सर मुंडवाने का जिक्र है तो वहाँ पे यह भी है कि वो उनके आमाल देख के तुम्हें अपने अमल हकीर मालूम होंगे उनकी नमाज़ें उनके रोज़े उनके हज उनकी तस्बीहें उनके जो है माथू के ऊपर जो है निशान सज्डू के वो देख के तुम्हें अपना अमल बड़ा हकीर लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे है। ये हैं जो अल्लाह के लिए बड़ी मेहनतें कर रहे हैं लेकिन वहाँ वो भी दीन से यूँ निकले होंगे जैसे तीर कमान से निकला होता है तो यानी दज्जाल के फितनों में से एक फितना ये नेकी का फितना भी हो सकता है तो बहरहाल ये नज़द के हवाले से ये चंद चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं ये इन शाली चूंकि आज तो वो हमने पहुँचना है वहाँ पर जनाजे पर तो फिर अगली नशत से इस पर मजीद गुफ्तु कर लेंगे अकोल अको लिहाजा वस्त सारे वाल